लू लगना, अतप ज्वार, ऊष्मा मूर्छा, मार्च से जुलाई तक, इन महीनों तक गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। हार्ट स्ट्रोक एंड या सन स्ट्रोक शरीर की वो रूढ़ अवस्था है जिसमें गर्मी के कारण शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 104.0 डिग्री फ़ारेनहाइट के पास पहुंच जाता है और मन में उलझन की स्थिति रहती है। इसके लक्षण ये हैं, लाल शुष्क त्वचा, सिर दर्द, चक्कर आना, जी मतलाना आदि। ये स्थिति एकाएक आ सकती है धीरे धीरे। इस समस्या की जटिल अवस्था होने पर वृक्क तक काम करना बंद कर सकता है। गर्मी और गर्म हवाएं शरीर में अक्सर ऐसा असर डालती हैं जिस वजह से जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लू लगना भी इन्हीं स्थितियों में से एक है। धूप, गर्मी और गर्म हवा से शरीर को बचाकर ही हम इस स्थिति से बच सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साल दर साल लू लगने से मरने वालों के आंकड़े में इजाफा होता ही जा रहा है। इसीलिए खुद को लू से बचाने के लिए लू लगना क्या होता है और इससे संबंधित अन्य सभी जानकारियों के बारे में पता होना हमें जरूरी है, क्योंकि इससे इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। ये बता दें कि लू लगना वह स्थिति है जो शरीर में गर्मी और बढ़ते तापमान की वजह से उत्पन्न होती है। इस दौरान हमारे शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है। बाहरी तापमान और गर्म हवा की वजह से शरीर ठंडा नहीं हो पाता और शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे भी ज़्यादा हो जाता है। लू लगने पर अक्सर अगर तुरंत उपचार न मिले तो व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता भी हो सकती है। इसके संकेत और लक्षण क्या हैं दोस्तों? तो ये है कि हमारे शरीर में किसी भी तरह की समस्या या परेशानी उत्पन्न होने पर तुरंत हमारी बॉडी संकेत देने लगती है। लू लगने पर शरीर कई तरह के लक्षण दिखाने लगता है, जैसे बुखार, त्वचा का लाल पड़ना, रूखा होना, गर्म होना, नम होना, नाड़ी का तेज चलना, चक्कर आना, सिर दर्द, जी मचलाना, घबराहट आदि, अधिक पसीना आना और बेहोश होना आदि इसके संकेत और लक्षण हैं। और ये किस कारण से होता है? तो दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया कि तापमान के बढ़ने की वजह और गर्म हवाओं की वजह से लू लगती है, क्योंकि इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे चिलचिलाती धूप में निकलना, खासकर 11 बजे से 3 बजे, शरीर में पानी की कमी, एयर फ्लो का अभाव यानी गर्म व ऐसी जगहों पर काम करना जहाँ हवा कम हो, भीषण आग के निकट रहना। अब इससे हमें बचाव कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो लू लगने से बचने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। आप लू से बचने के घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे छाछ, चावल का पानी, नींबू या आम का रस, दाल का सूप का सेवन। इसके अलावा आप हल्के ढीले पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, सिर को हमेशा टोपी या दुपट्टे से ढक कर रखें, गर्म कमरों में बैठने से बचें और हवादार, छायादार या एयर कंडीशन कमरे में ही रहें। शरीर के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए ठंडे पानी से रोजाना स्नान करें। हल्के रंग के पसीने सूखने वाले एवं ढीले ढाले हवादार भारतीय परंपरा के कपड़े पहने, जिससे शरीर को गर्मी, पसीना और उमस से राहत मिल सके। पश्चिम यूरोपीय देशों के फैशन जैसे जीन्स पैंट, बंद गले की शर्ट, टाई के साथ आदि चुस्त एवं मोटे कपड़ों का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि भारत में गर्मी और उमस अधिक रहती है, इसलिए भारत की जलवायु के हिसाब से पूर्वजों के कपड़े धोती, कुर्ता, कुर्ता पजामा आदि होते थे। दक्षिण भारत और पंजाब आदि में आज भी परंपरागत कपड़ों का चलन है। स्कूल और ऑफिस जाने वालों को तो मजबूरी में ड्रेस कोड पहनना ही पड़ता है, परंतु स्कूल एवं ऑफिस के बाद गर्मी से बचाव के भारतीय परंपरागत परिधान पहने। धूप से जब निकले तो दोस्तों चश्मे, छाते व चप्पलों का प्रयोग करें। खुले में कार्य करते हो तो चेहरे, हाथ, पैर के कपड़े से ढककर रखें और यदि संभव हो तो छाते का प्रयोग करें। जहां तक हो दोपहर 11 बजे से 4 बजे के मध्य धूप से निकलने से बचें। घर की बनी लस्सी, नींबू पानी, छाछ, गन्ने का रस, आम पन्ना, विभिन्न प्रकार के देसी शरबत इत्यादि जो हमारे भारतीय परंपरा के पेय पदार्थों का प्रयोग करें। गर्मी के मौसम के फल खाएं, सलाद में खीरा, ककड़ी इत्यादि का सेवन करें। दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें कि टीवी आदि पर प्रचार में प्रभावित होकर कोल्ड ड्रिंक आदि से यथासंभव परहेज करें। शराब, बियर आदि का सेवन न करें। मटके, सुराही के पानी का प्रयोग करें। फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी से परहेज करें। ORS के पैकेट घर में अवश्य रखें। डिहाइड्रेशन की स्थिति में 1 लीटर स्वच्छ पानी में 1 पैकेट ORS मिलाकर पिए। पेट में मरोड़, घमौरियाँ, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, सिर में तेज दर्द, उबकाई जैसे लक्षण सामने आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चिकित्सक से सलाह लें।
अप्रैल के महीने में तापमान में एकदम से उछाल आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हाई वेव लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 3 माह अप्रैल मई व जून में लू का मौसम रहता है। माह अप्रैल मई व जून लू हीट वेव के प्रकोप के महीने माने गए हैं। तो अगर हमको लू लग जाती है तो हमको उसका उपचार क्या करना है, तो लू लगने के उपचार इस पर निर्भर करता है कि आपकी स्थिति कैसी है। अगर आपको पानी की कमी की वजह से लू लगी है तो आप हाइड्रेट किया जाएगा। इसके अलावा लू लगने वाले मरीज को आवश्यकता अनुसार ड्रिप लगाई जाती है, ऑक्सीजन थेरेपी और थेरेपेटिक कूलिंग दी जाती है। मरीज के शरीर के तापमान को कम करने के लिए बर्फ वाले पानी का पैक और ठंडे पेय पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। ठंडे पानी की भाप का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रिकॉशन लेने के बाद भी दोस्तों अगर आपको लू लग जाए तो सबसे पहले ये काम करें कि आप ठंडे स्थान पर लेट जाएं, गीले कपड़े से शरीर को हल्के हाथों से पोंछें, सांस नॉर्मल करने का प्रयास करें और ताज़ा पानी पिएं। फिर थोड़ी देर में गीले तौलिया सिर पर रखें ताकि मस्तिष्क शांत हो जाए। शरीर का तापमान नियंत्रित होने पर ताजे पानी से स्नान करें। इसके अलावा हमें क्या, जिसको लू लगने पर पीड़ित व्यक्ति को चावल, जौ का पानी, केला, छाछ, दही, लस्सी आदि लेने से आदि चीज़ें खिलानी चाहिए, इससे शरीर की को ठंडक मिलती है। दूध की लस्सी भी आप ले सकते हैं। फलों के अलावा मौसमी फलों को भी अपनी डाइट चार्ट में शामिल कर सकते हैं। गर्मियों में आप तरबूज, ककड़ी, खीरा, अंगूर आदि जरूर खाएं या फिर इनका जूस लें। गर्मी के मौसम में अमिया से आम पदार्थ तैयार कर आप इसका सेवन कर सकते हैं और ये जो है आपको लू लगने से बचाने में मददगार होंगे। लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर, ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां लगाएं। घर की खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गया तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। इस समय स्वास्थ्य विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि लू से बचने के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि खूब पानी पिए और गर्मी में हर वक्त पानी पीते रहना चाहिए। यहाँ तक कि आपको प्यास ना लगे हो तब भी सामान्य पानी और नारियल पानी जैसे ठंडे पेय गर्म पेय की तुलना में गर्मी के लिए ज़्यादा ठीक रहते हैं। इससे हमारी बॉडी जो होती है हाइड्रेट रहती है। प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए। गर्मी के मौसम में प्यास लगना डिहाइड्रेशन का लक्षण है, इसलिए प्यास लगने से पहले ही पानी पीजिए। और ज़्यादातर पेय अच्छे होते हैं लेकिन कैफीन युक्त पेय पदार्थों से बचना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। उनके मुताबिक गर्मी के मौसम में अल्कोहल के सेवन से भी बचें। जहाँ तक हो सके घर के भीतर ही रहना चाहिए, खासकर उस समय जब दिन के वक्त गर्म हवाएं ज़्यादा चलती हैं और तापमान ज़्यादा रहता है। इस समय घर पर आराम करना बेहतर होता है। और क्या होता है कि दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये ऐसा समय होता है जब बहुत ज़्यादा लू चलती है और अगर इसमें हम खाली पेट निकले और पानी भी नहीं पिए तो हमें ज़रूर लू लग जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों और भी बहुत से उपाय हैं जिनको करके हम लू से बच सकते हैं। जो डेली वेजेस के मजदूर होते हैं बेचारे, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो अपना काम तो नहीं छोड़ सकते। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ी थोड़ी देर में छायादार वृक्ष के नीचे रहें और अपने सिर को ढक के रखें और साथ में साथ पानी भी पीते रहें। खिड़की पे जो खस की पट्टियाँ आती है उसको लगा के उसके ऊपर पानी डाल के और पंखे को खोल देंगे तो उससे भी कमरा ठंडा हो जाता है। और दूसरा आप कूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कोशिश यही करिए कि जब अगर आप एसी में हैं तो एसी को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें, ज़्यादा चिल टेम्परेचर पर नहीं रखें। और किसी के पास तो दोस्तों एसी नहीं होता है तो हमको क्या करना है, कुछ परंपरागत तरीके का प्रयोग करते हैं जिससे कि उनके घर ठंडे रहते हैं। मसलन गांव के लोग घरों का ठंडा रखने के लिए छतों पर गोबर का लेप कर देते हैं। शहर में कुछ लोग अपने घरों में कूल रूफ्स लगवा लेते हैं जो कि हल्के रंग के होते हैं और गाढ़े रंग की छतों की तुलना में गर्मी कम सोखते हैं। घरों की छतों में पानी से भरे बर्तन भी रखे जा सकते हैं जिसकी वजह से वाष्पन होगा और छतें कम गर्म होंगी और कमरे ठंडे रहेंगे। इसके अलावा खिड़कियों को बंद रख
रख कर भी धूप को सीधे कमरे में आने से रोका जा सकता है। पंखे से हवा ली जा सकती है। कलाइयों, सिर और गले पर ठंडे कपड़े लपेटकर भी शरीर को गर्म हवा से बचाया जा सकता है। और इसके साथ ही छोटे छोटे उपाय दोस्तों जो हम करके अपना लू से बचाव कर सकते हैं।